Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence, and Decision Making. This is module number one eight four, and our concern is just venting. Just venting would mean के हम कुछ outlets वो find out कर रहे हैं के जिसमें हम stress relief वो कर सकें और हम ये जान पाएं के हमारा ताल्लुक दूसरे लोगों के साथ being a toxic handler कब कहाँ क्यों कैसे वो बेहतर तौर पर establish हो सकता है. इस मकसद के लिए देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वेंटिंग एंड द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के कथार्स बहुत जरूरी है बिकॉज कथार्सिस करते रहने से आपका अपना ऑडिट आपका अपनी असेसमेंट वो होती रहती है और उस असेसमेंट और कथार्सिस से ऑब्वियसली आप फ्रूटफुल आउटकम्स हासिल वो करते हो नंबर टू उस कथारसिस के करने से आपका एग्रेशन भी कम वो हो सकता है एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड वी हैव टू कम अप विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन हमें इस बात पर फोकस करना है कि rather than के हम सिर्फ प्रॉब्लम को बैठकर सोचते रहें हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस और फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स उनकी तरफ भी जाना है और हर नया आने वाला दिन अपने साथ नए चैलेंजेस वो लेकर आ रहा होगा हमें ये देखना है कि उन नए चैलेंजेस का भी सामना हमें कैसे करना है अगर हम एक ही प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किए बैठे रहेंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा इन द लॉन्गर रन कि हम रोजमर्रा के जो न्यू डेवलप्ड इश्यूज हैं प्रॉब्लम्स हैं सर्कमस्टांसिस हैं नोवेल सर्कमस्टांसिस और इश्यूज हैं उनको हम टैकल कर पाए देर फोर रिमेंबर के हमें रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर अपने आप को अपडेट और अपग्रेड वो करते रहना चाहिए अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है व्हेन व्हेन वी वी टॉकिंग अबाउट जस्ट इज दैट आर डीलिंग विद द पीपल तो हमारा पीपल के साथ ताल्लुक तीन तरह के हो सकते हैं इट कैन बी इंटर डिपेंडेंस इट कैन बी इंडिपेंडेंस और इट कैन बी डिपेंडेंस और इन तीनों तालुक में जो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव ताल्लुक है दैट कैन बी इंटर डिपेंडेंस जिसमें के गिव एंड टेक हो जिसमें के अंडरस्टूड और अंडरस्टैंडिंग दोनों चीजें मौजूद हों जिसमें के दोनों लोग आपस में मिलकर एक सिनर्जी के साथ एक टीम वर्क के साथ काम करना वो जानते हों जब हर बंदा अपनी अपनी यूनिक कंपिटेंसी के साथ अपनी कटिंग एज एक्सपर्टीज के साथ मौजूद है तो वो दूसरे की मदद ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है इसी मामले में याद रखें कि व्हेन वी आर डीलिंग विद द पीपल सो द रोल ऑफ द एचआर एंड द बॉस इज ऑलवेज देयर फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट टॉक्सिक हैंडलर तो हमें यह देखना पड़ेगा कि टॉक्सिक हैंडलर आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या तो पहचाना ही नहीं जाते या वो अंडर एप्रिशिएटेड वो होते हैं बिकॉज ये कोई डिजाइनेटेड पोस्ट नहीं है और डिजाइनेटेड पोस्ट ना होने की वजह से इनकी वक्त इनकी इंपॉर्टेंस जनरली ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड वो नहीं कर सकती एक और बहुत अहम امر ये है कि बाज़ोका टॉक्सिक हैंडलर जब लोगों के साथ डील कर रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस मामले के अंदर टैकल कर रहा है कहां-कहां पर उसकी इंटरवेंशन वो मौजूद है और उस इंटरवेंशन को बेहतर तौर स्टैब्लिश करने के लिए वो क्या रोल क्यों कर अदा वो कर रहा है बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द वेल बींगल ऑर्गेनाइजेशन चाहे के वो एक डेजिग्नेटेड पोस्ट नहीं है लेकिन डेजिग्नेटेड पोस्ट ना होने के बावजूद भी देर रोल देर कमिटमेंट देर डेडिकेशन Is very important and noteworthy. Another perspective, when we are talking about the toxic handlers and the venting aspects and the stress uh, release, we have to be careful that toxic handlers must learn the art of emotional intelligence. They should know, first of all, their self awareness, then their self regulation.

टॉक्सिक हैंडलर मस्ट बी इमोशनली इंटेलिजेंट एंड मस्ट प्रैक्टिस इंटेलिजेंस को मजीदर वो कर सके उसके लिए माइंडफुल एक्सरसाइजेस भी है उसके लिए अपने समझना है उसके लिए हमें एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट भी करनी है तमाम तरह वो चीजें हैं जो टॉक्सिक हैंडलर के साथ एसोसिएटेड वो होंगी डियर स्टूडेंट अगर हमें सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि टॉक्सिक हैंडलर की पोजीशन और सिचुएशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे कि ये एक डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशनली अनाउंस्ड पोस्ट नहीं है लेकिन इसके बावजूद इसका रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अहम है एंड वी हैव टू बी केयरफुल एंड विजिलेंट इन अवर रिलेशन अदर पीपल थैंक यू